हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों यहां पर वन प्लस सेवन प्रो का एक फर्स्ट इंप्रेशन और एक हैंडसोन यहां पर जो वो देने वाला हूं। और वन प्लस ने यहां पर इंडिया के अंदर और साथ साथ ग्लोबली वन प्लस सेवन प्रो को आज जो वो लॉन्च कर दिया है। और यहां पर दोस्तों ये आपको तीन अलग अलग वेरियंट्स में यहां पर देखने को मिलता है, 6128, 8128 और एक 12256। अगर मैं इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया हो तो वो मैं करेक्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर। और प्राइस भी दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा। यहां पर दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहिए, OnePlus 7 Pro में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। वैसे इसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस में फ्यूचर में बनाने वाला हूं, तो मेरे चैनल पर जरूर से स्टे ट्यून करिएगा। ज्यादा नहीं करते हो, देखते हैं कि OnePlus 7 Pro में आपको क्या कुछ खास जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फोन देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक मिलता है। और अगर आपने नोटिस किया रहेगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने इस बार जो वो डिजाइन दिए, कोई ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती, एकदम से मैट टाइप फिनिशिंग दिया है। लेकिन जी हाँ, ये ग्लास बैक की आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पर ग्रेडिएंट टाइप फिनिशिंग मिलती है, बहुत ही कमाल का यहाँ पर आपको बैक मिलता है। और पीछे से भी देखेंगे थोड़ा सा कर्व्ड आपको एजेस मिलते हैं, आपको अलग अलग कलर्स में भी मिल जाते हैं। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन से कलर्स में आपको मिलता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों एक अलग तरीके का फोन आपको मिलता है, अलग तरीके का आपको बैक मिलता है, लेकिन उसमें आपको ग्लास मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है। और जो सिम ट्रे है दोस्तों उसमें आपको सिर्फ दो सिम कार्ड लगाने मिलता है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों स्पेक्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक 6.67 इंच की एक QHD प्लस की 90Hz वाली एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, और आप देखेंगे बहुत ही कमाल की आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको कर्व्ड एजेस मिलते हैं। तो ये कर्व्ड डिस्प्ले है जो बहुत ही प्रीमियम लगता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। और डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोस्तों कोई शक नहीं है, और बहुत ही मेहनत करी उन्होंने इसके डिस्प्ले के ऊपर, तो बहुत ही कमाल की आपको यहाँ पर एकदम प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये एक ऑब्वियसली फ्लैगशिप प्रोसेसर है और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको वन प्लस 7 प्रो में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जहां पर आप देखेंगे जो प्राइमरी कैमरा है वो आप लोग को 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर के साथ में मिलता है। आपको F1.6 का एपर्चर मिलता है, आपको 4K 60fps पर वीडियो निकालने मिलता है, EIS OIS दोनों का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है, आपको नाइट मोड, बहुत सारे फीचर्स आपको इसके कैमरे में देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी आपको यहां पर जो कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला मिलता है, 117 FOV यानी कि फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलती है। उसके अलावा जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है तीसरा वाला, वो आप लोग को टेलीफोटो 3x जूम के साथ में मिलता है। ये जो 3x जूम है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का है, काफी एक्यूरेट और बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे जूम पिक्चर्स यहाँ पर निकाल कर देता है। आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है दोस्तों, और ये एक्चुअली में एक पॉपआउट वाली सेल्फी है जो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। और एकदम उसकी वजह से जो डिस्प्ले आपको मिलता है वो फुल व्यू मिलता है, सामने कोई नॉच नहीं है। और यहाँ पर F2.0 का आपको एपर्चर मिलता है, आपको फुल HD वीडियो मिलती है, साथ में आपको यहाँ पर EIS भी आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पर जो सेल्फी देखने को मिल जाता है। अगर कुछ पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो पिक्चर देखने को मिलती है, रियर फेसिंग से यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर्स निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने थोड़े बहुत बग्स यहाँ पर इसके कैमरे में देखा हो, और अगर इसको वो लोग इंप्रूव करते तो बेटर रहेगा। नाइट में भी देखेंगे तो नाइट भी काफी बढ़िया यहाँ पर पिक्चर निकल कर आई, काफी अच्छे इसने जो पिक्चर्स निकाला है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा इंप्रूव करते इसको तो और भी पर जो वो बेटर पिक्चर निकल कर आ सकती है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी यार, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, काफी डिसेंट सी पिक्चर्स निकली है। और आप देखेंगे डिटेलिंग भी आपको यहां पर काफी बढ़िया जो वो देखने को मिल जाती है। यहां पर दोस्तों इसके अलावा 4000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, और यहां पर इसके अंदर आपको 30W का वॉप चार्जर भी जो मिलता है, मतलब आपके फोन को बहुत ही फास्ट तरीके से यहां पर जो वो चार्ज कर देगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो आप लोग को एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, लेकिन साथ में आपको ऑक्सीजन OS मिल रहा है ऑब्वियसली 9.5.2 के ऊपर। अब ये दोस्तों एक्चुअली उन्होंने बहुत ही सही तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया वन प्लस 7 प्रो के अंदर, और बहुत ही ज्यादा फास्ट है दोस्तों। इसको अगर दूसरे वाले ऑक्सीजन OS से कंपेयर करता हूं 6 या 60 से, यार ये बहुत बहुत ज्यादा फास्ट, एकदम क्लोज टू आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता है। और आपको यहाँ पर सिस्टम वाइड डार्क मोड भी आप देखेंगे इस तरीके का मिल जाता है, जिसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं, मतलब बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं। और मल्टीटास्किंग तो पूछो मत, एकदम मस्के जैसा चलता है। और यहाँ पर देखेंगे आपकी आंखों के सामने, मतलब बहुत ही फास्ट है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का दिल कर रहा है, तो जैसे ही दोस्तों वक्त आएगा मैं आपको उसके ऊपर और भी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पर साथ में दोस्तों आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फेस अनलॉक मिलता है। और जो फेस अनलॉक है वो काफी कूल है, इसका ये जो
पॉट सेल्फी है, ये बाहर निकल कर आता है और बहुत ही फास्ट तरीके से अंदर चला जाता है आपके फेस को रिकग्नाइज करके। तो फेस अनलॉक और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी बहुत ही फास्ट और इम्प्रूव्ड है, ये दोनों आपको यहाँ पर इस फोन में जो देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों ये था इसका कंप्लीट स्पेक्स और इसका मेरा एक हैंड्स ऑन और इंप्रेशन, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको ये फोन मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पे बनाऊंगा, हम इसमें कैमरा रिव्यू बनाएंगे, इसका गेम प्ले करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे, बहुत सारी चीजें यहां पर करने वाले। तो देखते हैं दोस्तों OnePlus 7 Pro मार्केट में कितना ज्यादा चलता है, इसके अलावा इसके क्या कुछ खास आपको देखने को मिलता है, ये तो जब वक्त आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। इतना ही इस वीडियो के दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।